हेलो गाइस, वेलकम टू रीवायर्स। ये कम्युनिटी है उन लोगों के लिए जो खुद को और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने स्टूडेंट से एक सर्वे किया और उस सर्वे में अराउंड 75% स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर वो घर से बाहर हैं तो वो अपना वॉलेट घर पे भूलना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय अपना फोन घर पे भूलने के। एक एवरेज यूजर दिन में लगभग 110 बार अपना फोन चेक करता है और ऑन एन एवरेज एक यंग पर्सन पूरे दिन में अराउंड 4.7 घंटे अपना फोन यूज करता है। तभी आजकल स्टडीज में या काम में फोकस कम होता जा रहा है क्योंकि हमारी ब्रेन की पावर भी कमजोर हो रही है। ये सिर्फ एवरेज यूजर्स की कैलकुलेटेड कंडीशन है। और वहीं अराउंड 18 से 29 साल के 93% यंग लोग फोन सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि वो बोर ना हो सके। इसी वजह से आजकल टीनएजर्स और यंग लोगों का सैड रहना, एंग्जायटी या डिप्रेशन फील करना बढ़ता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन उनका फोन और सोशल मीडिया ज्यादा यूज करना भी है, क्योंकि यही हमारी सर्केडियन रिदम को भी खराब करता है। क्योंकि 2010 के बाद जब से स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट हम सभी के पास आना स्टार्ट हुए, तब से गूगल पे डिप्रेशन से रिलेटेड सर्चेस भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आप भी सैड, डिप्रेस्ड या डीमोटिवेटेड फील करते हो और या फिर लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण आपकी फोन और सोशल मीडिया यूज करने की आदत भी हो सकती है। लेकिन हम आपको फोन अडिक्ट नहीं कह रहे, क्योंकि हम फोन के अडिक्ट नहीं होते, बल्कि हम कुछ एप्स और गेम्स के अडिक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से हम अपना फोन बार बार खोलते हैं और घंटों यूज करते हैं। तो प्रॉब्लम फोन में नहीं बल्कि कुछ एप्स और गेम्स में है। हमें उन्हें छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि ऑन द अदर एंड फोन एक बहुत अच्छी ह्यूमन इन्वेंशन है जो हमारे काफी ज्यादा काम आती है। हमें फोन छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें अपने फोन यूसेज की आदत को कम करना है, क्योंकि फोन यूज करना बिल्कुल ही छोड़ देना एक प्रैक्टिकल चीज नहीं होगी। पर हम कैसे इसकी आदत को छोड़ सकते हैं और कैसे हम फोन को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं बजाय टाइम वेस्ट करने के, तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हम इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस स्टेप बाय स्टेप देते जाएंगे। तो स्टेप वन है चेंज योर फोन्स अनलॉक फीचर। वक्त के साथ हमारे फोन के अनलॉक फीचर्स भी चेंज होते रहे हैं और कंपनीज ने पूरा जोर लगाया है कि फास्ट अनलॉक फीचर से यूजर अडिक्टेड रहे। तभी आज सिर्फ हमारा अपने फोन को देखने भर से ही वो एक सेकंड से भी कम में अनलॉक हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपने फोन से फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट लॉक हटा दो, दोनों ही ऑप्शंस को ऑफ कर दो और अपने फोन में लॉन्ग टाइपिंग लॉक स्क्रीन पासवर्ड यूज करो, जिसमें कुछ अल्फाबेट्स हो, कुछ नंबर्स और कुछ सिंबल्स। ये पासवर्ड का तरीका थोड़ा अनोइंग होगा, लेकिन बिना वजह फोन खोलने की आदत छुड़वा देगा। नंबर 2, टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस एंड कलर्स। फेसबुक ने अपने मोबाइल ऐप के स्टार्टिंग डेज में नोटिफिकेशंस का कलर ब्लू ही रखा था, लेकिन यूजर उन नोटिफिकेशंस पे क्लिक ही नहीं करते थे या बहुत ही कम क्लिक करते थे। तो फिर फेसबुक ने भी अपने नोटिफिकेशंस का कलर रेड करा, क्योंकि रेड और येलो जैसे ब्राइट कलर्स हमारा अटेंशन खींचते हैं। तभी बाकी सोशल मीडिया एप्स अपने नोटिफिकेशंस का कलर रेड रखती हैं ताकि हम उनपे बार बार क्लिक करें, और यही चीज कंपल्शन लूप क्रिएट करती है, जिसका फायदा उठा के सोशल मीडिया कंपनीज पैसा कमाती है। तो इसे रोकने के लिए आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाके सभी सोशल मीडिया एप्स जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक एटसेट्रा की नोटिफिकेशंस बंद कर दो और फोन को ग्रे स्केल मोड पे यूज कर सकते हो, ताकि एप्स के ब्राइट कलर्स आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। और जब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो तब आप ग्रे स्केल मोड को ऑफ कर सकते हो, या जब आपने डिसाइड किया हो कि आप किस टाइम फोन यूज करोगे। नंबर 3, पुट योर फोन ऑन एयरप्लेन मोड। आप शायद अभी एक स्टूडेंट हो या ऑफिस वर्किंग हो, तो आप अपने घर पे पढ़ाई करने बैठे होंगे या अक्सर आपको अपने ऑफिस का काम घर से भी करना पड़ता है। तो आप जितने टाइम अपना काम या स्टडी करते हो, आप उतनी देर के लिए अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे रख सकते हो, जिससे आपको फोन पे कोई नोटिफिकेशंस नहीं आएगी और ना ही कॉल्स। तो आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे और प्रोडक्टिवली अपने काम को कर पाओगे। इन केस आपको लगता है कि काम के दौरान आपको ऑफिस से इम्पोर्टेंट कॉल्स आ सकती हैं, तो आप बस अपने फोन के नेट को ऑफ रखें और एयरप्लेन मोड का यूज ना करें। लेकिन अगर घंटों तक बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के काम करना है तो एयरप्लेन मोड यूज करो। नंबर 4, फिक्स टाइम फॉर सोशल मीडिया एंड फोन। आप अब भी इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, लेकिन अब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। मतलब आप एक टाइम सेट कर लो कि मैं एक दिन में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही सोशल मीडिया यूज करूंगा। अब ये टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बस ये टाइम आपके सोने से पहले का नहीं होना चाहिए और ना ही डायरेक्ट सुबह उठने के बाद। इस टाइम में आप आराम से सोशल मीडिया यूज करो, लेकिन टाइम खत्म होते ही अपने फोन को छोड़ देना है, 5 मिनट भी ज्यादा यूज नहीं करना है। और आप कोई फोन वॉलपेपर भी लगा सकते हो जो आपको बार बार याद दिलाए कि आपको फोन कम यूज करना है। नंबर 5, रिप्लेस इट विद समथिंग एल्स। आपके माइंड में सवाल तो आया होगा कि जितने टाइम हम फोन यूज ना करें तो उस समय हम क्या करें। तो इस टाइम में आप अपनी कोई भी हॉबी, कोई स्किल जो आपको सीखने का मन हो आप सीख सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, कोई आइडिया पे काम कर सकते हो,
जर्नलिंग कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो या मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आपको सही लगे या जिस भी चीज में आप बेहतर बनना चाहते हो आप वो कर सकते हो। आप इन चीजों में बिजी रह के कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे और आपका अपने फोन पे ध्यान नहीं जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें। और हाँ दोस्त, अगर आप चाहते हो कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो।